गाइस मैं सर समीक्षा अग्रवाल वेलकम यू टू कोड फ्रिक्स अ चैनल मेड फॉर यू मेड बाय यू। सो लेट्स नो सैटरडे जीएफजी प्रॉब्लम। आज के जीएफजी के प्रॉब्लम का नाम है श्रेयांश एंड हिज बिट्स। मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, थोड़ी सी ट्रिकी है प्रॉब्लम। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अपन अच्छे से समझेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में ना अपने को कोई भी नंबर गिवन होगा, 8 जैसे अपने को गिवन है। तो 8 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 1000। जैसे अगर अपन यहाँ पे लिखें तो अपने को एन क्या गिवन है, एन अपने को गिवन है 8। तो 8 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 1000। ठीक है, तो आपकी इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ही सेट बिट है, एक ही वन प्रेजेंट है। तो अपने को देखना है कि इससे छोटे मतलब 8 से छोटे 1 to 7 वाले नंबर्स में ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेट बिट होगी। मतलब 8 में जितनी सेट बिट्स होती है उतनी कितने नंबर्स में जो उससे छोटे हैं उसमें सिर्फ एक ही सेट बिट्स है। तो एक तो ऐसा होता है 1, जिसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ 1 आता है, ठीक है, तो एक ही सेट बिट है। एक होता है 2, जिसमें 1 0 आता है, एक ही सेट बिट है। और एक होता है 4, जिसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है 1 0 0, इसके अंदर भी एक ही सेट बिट होती है, ठीक है। तो अपने कितने नंबर्स हो गए, 3 नंबर्स हो गए, तो अपन ने 3 रिटर्न कर दिया। मतलब अपने को फाइंड करना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं 8 से छोटे जिसके अंदर 8 के जितने ही सेट बिट्स हों, ठीक है। यही अपना क्वेश्चन है। अपने को एन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गिवन होंगे, अपन को उन सब के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स सपोज एन इक्वल्स टू 12 का, ठीक है। एन इक्वल्स टू 12 का एग्जाम्पल लिया, 12 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 1100, ठीक है। अब इसके अंदर कितनी सेट बिट्स हैं, 2 सेट बिट्स हैं। तो अपन देखेंगे 1 से लेके 11 जो कि 12 से सारे छोटे नंबर्स हैं, उनके अंदर कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं, मतलब कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसके अंदर सिर्फ 2 सेट बिट्स होंगे, ठीक है। तो 1 के अंदर एक सेट बिट होती है, 2 के अंदर भी एक सेट बिट होती है, 3 अगर अपन देखें तो 3 अपना एक ऑप्शन होगा, इसके अंदर होंगे 2 सेट बिट्स, 1 1, ठीक है। फिर 4 के अंदर नहीं होती, 5 के अंदर 2 सेट बिट्स होती है, 5 का होता है 1 0 1, ठीक है। इधर ऐसे 4 सेट बिट्स में ले लेते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद आता है 6, ठीक है। तो 6 में कितनी सेट बिट्स होती है, 6 में भी 2 सेट बिट्स होती है, 0 1 1 0। फिर 7 में 3 सेट बिट्स होती है, तो 7 अपना ऑप्शन नहीं है, एक अपना 5 था ऑप्शन, फिर 6 था अपना ऑप्शन, ठीक है। 7 में कितनी सेट बिट्स होती है, 7 में होती है 0 1 1, 3 सेट बिट्स होती है, तो ये अपन नहीं लेंगे। 8 में अभी अपन ने देखा, 8 में भी अपन ने देखा 1 0 0 होती है, उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसमें भी एक ही सेट बिट होती है। फिर 9 अपन देखें तो 9 में 2 सेट बिट्स होती है, 1 0 0 1, ठीक है, तो ये एक अपना ऑप्शन है। फिर 10 अपन देखें तो 10 में भी 2 सेट बिट्स होती है, 1 0 1 0, ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है अपना। और एक 11 को अपन देखें तो 11 में 3 सेट बिट्स होती है, ये अपना ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अपने को कितने मिले, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5 नंबर मिले, 12 के लिए अपना आंसर कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। अब इसको अपन को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तो अपन मेथड ये लगा सकते हैं, एक मेथड अपन क्या लगा सकते हैं कि अपन 12 के अंदर कितनी सेट बिट्स है वो काउंट करें। 12 के अंदर कितनी सेट बिट्स है अपन वो निकालेंगे सबसे पहले तो, और फिर 1 से लेके 11 तक एक लूप इटरेट करें उन सारे ही नंबर्स, 1 से लेके 11 तक के सारे नंबर्स के लिए अपन कैलकुलेट करें कि उनकी इतनी सेट बिट्स होती है, जिनकी भी सेट बिट्स इक्वल्स टू 2 आई, मतलब 12 के बराबर आई, उनके लिए अपन एक आंसर में प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। आंसर में प्लस प्लस करते जाएंगे 11 तक कैलकुलेट, 11 तक इटरेट करके अपने पास आ जाएगा आंसर में कि कितने सेट बिट्स होंगे 12 के बराबर नंबर्स के, ठीक है। तो फिर अपन उस आंसर को रिटर्न करते हैं कि यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम सिंपल और एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर मिनिमम उतनी लगेगी, एन लॉग एन, ठीक है, एन लॉग एन लगेगी। और इसके अंदर अपने को कॉम्प्लेक्सिटी कितनी गिवन है, इसके अंदर अपने को सिर्फ लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये अपना सोल्यूशन नहीं होगा, अपने को इससे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देखना पड़ेगा। तो इससे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन क्या होगा कि अपन या तो ये कर ले कि देखो
इसके अंदर अपने को ये तो पता है कि अपने को 12 से छोटे ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिसके अंदर जिसके अंदर दो सेट बिट्स हों, ठीक है। तो अगर अपन ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसको जीरो कर दें, तो अपने को फॉर श्योर है कि अगर अपन इसको जीरो रखें इस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को और बाकी तीनों में ही वन वन कर दें तो भी ये 12 से छोटा नंबर बनेगा, ठीक है। तो अपन ऐसा देख ले, और अगर अपन ये वाले वन को भी जीरो कर दे, लेट सपोज कि ये वाला जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये तो वन ही रहे, लेकिन अगर ये जीरो हो गई और फिर अगर ये दोनों भी वन है तो भी 12 से छोटा ही नंबर मिलेगा अपने को, ये भी श्योर है, ठीक है। तो फिर इसी की हेल्प से अपन करेंगे। इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि अपने को पता है दो सेट बिट्स हैं इसके अंदर, तो अपन क्या करेंगे 12 से छोटा नंबर बनाना, तो एक बार तो अपन ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसको जीरो रखते हैं, ठीक है। तो अपने पास तीन ऑप्शन है, ठीक है। इन तीनों में अपने को दो सेट बिट्स रखने हैं, या तो अपन इन दोनों में रख लें, या तो अपन इन दोनों में रख लें, या फिर इन दोनों में रख लें, ठीक है। किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन इन तीन ऑप्शन में से अपने को दो सेट बिट्स रखने हैं और एक को अनसेट रखना है बिट को। तो इसका ऑप्शन कितने हो जाएंगे, तीन अपने पास प्लेसेस हैं और उसके अंदर दो बिट्स को अपन को सेट रखना है, तो इसका ऑप्शन हो गया अपने पास 3C2, ठीक है। 3C2 कैसे हुआ, एक तो हो गया कि अपन इसको जीरो रखें, बाकी की दो बिट्स को सेट कर दें, एक को जीरो रखें, ठीक है। फिर एक है कि ये तो जीरो ही रहेगा, फिर अपन इसको सेट रखें, इसको अनसेट कर दें, इसको सेट कर दें, और एक अपने पास ऑप्शन है कि इन दोनों को अनसेट रखें और दो को सेट रख दें। ये तीन अपने पास ऑप्शन होंगे जब अपन इस वाली बिट को ऑफ कर देंगे और इन तीन बिट्स में से अपन किसी भी दो बिट्स को ऑन करें तो अपने पास ये ऑप्शन होता है, ठीक है। और ये तीनों ही 12 से छोटे होंगे क्योंकि इसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वही अपन ने ऑफ कर दिए, तो ये सारे 12 से छोटे होंगे, ये अपने को पता है, ठीक है। और एक अपने पास ऑप्शन होता है, एक तो ये वाला ऑप्शन था अपने पास कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ऑफ रखें, एक अपने पास ऑप्शन है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को तो ऑन रखें, लेकिन बाकी के जो ये है तीन ऑप्शन अपने पास, इन तीनों ऑप्शंस में से इधर वन ना रखें। इधर वन रखेंगे तो 12 से बड़ा नंबर बन जाएगा, मतलब 12 के इक्वली नंबर बन जाएगा। तो अपने पास इन तीनों में से ऑप्शन है कि अपने को इसको जीरो रखना पड़ेगा, बाकी इन दोनों बिट्स में से किसी एक बिट को अपन ऑन रखें और किसी एक बिट को अपन ऑफ रखें, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास ऑप्शन क्या बनेगा, 2C1, ये दो प्लेसेज है अपने पास, ठीक है। दो प्लेसेज अपने पास, उनमें से अपने को एक को ऑन रखना है, ठीक है। तो 2C1 में अपने पास क्या ऑप्शन बन गया, एक तो 1010 और एक हो जाएगा 1001, ठीक है। तो अपने पास ये पांच ऑप्शन है और यही पांच अपने आंसर्स हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अपने को सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे। अब अपन ने एक तो ये तो राइट से देख लिया, अपन इसको लेफ्ट से देखें तो लेफ्ट से सबसे पहले ये वाली बिट आएगी अपने पास, ठीक है। ये वाली बिट आएगी अपने पास, तो अपन ने क्या बोला कि ये वाली बिट आई अपने पास तो इस बिट को ऑफ करके अपन को इसकी जो इससे पहले जितनी भी बिट्स थी उनमें से एक बिट को ऑन करना है, ठीक है। तो उसके लिए अपन आंसर्स कैलकुलेट कर लेंगे पहले तो, ठीक है। फिर अपने पास ये वाली बिट आएगी तो इस वाली बिट को ऑफ करके अपन क्या बोलेंगे कि इससे पहले वाले तीन नंबर्स जो भी हैं उनमें से दो बिट्स को अपने पास अपने को ऑन रखना है। इसके लिए अपने को प्रोबेबिलिटी कितनी है वो बता दो, ठीक है। जैसे अगर अपना नंबर 1100 है तो अपन सबसे पहले अपने पास अगर अपन लेफ्ट से चलेंगे तो ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, फिर ये वन आया, ठीक है। तो अपन बोलेंगे कि इस वाली वन को ओपन को ऑफ करना है और इस वाले वन को ऑफ करके अपने को बदले में इन दोनों में से किसी भी एक बिट को ऑन रखना है, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, तो उसके लिए वो क्या प्रोबेबिलिटी बताएगा, एक तो 1010 और एक वो बनाएगा 1001, ठीक है। एक तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज हो गई अपने पास, मतलब दो आंसर्स ये आ गए अपने पास। फिर ये बोलेगा कि इसके बाद ये वाला जो वन है ये आया अपने पास, तो अपन बोलेंगे कि इसको ऑफ करके बाकी के ये जो तीन नंबर्स हैं इन तीनों में से किसी भी दो बिट्स को अपने को ऑन करना है। इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो कि ऐसे कौन से नंबर्स हो जाएंगे अपने पास, तो वो अपने पास तीन नंबर्स आ जाएंगे ये वाले, ठीक है। तो अपने पास 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 आंसर में, और इसी को अपन रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसका एक बार कोड देख लेते हैं अपन। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले अपने मेन फंक्शन में आते हैं, ठीक है। रिकर्सिव सोल्यूशन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सोल्यूशन है, एक बार अपन देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसको तो अभी अपन इग्नोर करते हैं, ये तो DP के लिए है, इसको अभी अपन बाद में समझेंगे। अपन सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ये तीन चीज़ें अपन ने डिक्लेयर की, इसको अपन समझेंगे जब ये काम में आएगी। अभी ये किसी काम में नहीं आ रही, तो अभी सब कुछ इग्नोर कर अपन यहाँ से चलते हैं। अपन ने बोला कि जब तक एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स का अपना 12 है, ठीक है। तो जब तक 12 चल रहा है, मतलब 12 इज ग्रेटर देन 0 जब तक है, तब तक इस लूप को चलाते जाओ, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला कि x एंड 1,
अपन ने क्या बोला एक्स एंड वन। अब एक्स एक्स की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब 12 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1100। इसके अंदर सबसे पहले ये वाली बिट आई, तो इसको देखा अपन ने वन के साथ एंड करवा के, सॉरी गाइस, इसको अपन ने वन के साथ एंड करवा के देखा कि क्या वन आ रहा है। तो जीरो को वन के साथ एंड करवाएंगे तो कभी भी वन नहीं आएगा, इसलिए अपन ये जो इफ वाली कंडीशन है ये फॉल्स हो गई। तो अपन क्या करेंगे, अपन सब बिट्स को प्लस प्लस कर लेंगे कि अपने पास एक बिट आ गई है, अब वो जीरो है लेकिन अपने पास एक बिट आ गई है। तो अपन ने क्या बोला कि एक बिट नाम का वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर वन डाल दो, ठीक है, जीरो था इसके अंदर बिट्स में। अब अपन ने क्या बोल दिया कि अपन ने एक बिट को इटरेट करवा लिया, वो भले ही जीरो है लेकिन अपन ने एक बिट को इटरेट करवा लिया। फिर अपन ने क्या किया, एक्स को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, मतलब राइट शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, अब अपना नंबर बन गया 110। अब इसकी राइट मोस्ट बिट क्या है, जीरो फिर से, तो इसको जीरो एंड वन करेंगे अपन तो वापस जीरो आएगा, ये इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर अपनी एक और बिट आ गई कि अपन ने दो बिट्स को इटरेट कर लिया जो कि जीरो थी, ठीक है, तो बिट अपनी कितनी हो गई, बिट अपनी टू हो गई है, ठीक है। फिर से अपन राइट शिफ्ट करेंगे तो अपना फिर से नंबर क्या बन जाएगा, 2 सेकेंड गाइस, इसको थोड़ा मैसी हो रहा है, इसको हटा देते हैं अपन यहाँ से। अपन ने 100 से किया था 110, ठीक है। फिर अपन ने 110 का अपन ने देखा था कि ये वाली बिट भी जीरो थी तो इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई थी, और अपन ने बोल दिया था कि दो बिट्स आ गई अपने पास। उसके बाद वापस अपन ने राइट शिफ्ट किया तो आएगा 1 1, ठीक है। 1 1 में अपन अब राइट मोस्ट बिट देखेंगे तो वो 1 है, तो 1 एंड 1 करेंगे तो अपना 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली इफ की कंडीशन ट्रू हो गई है तो अपन क्या बोलेंगे, रिजल्ट के अंदर प्लस कर दो बिट्स और प्लस वन, वंस के अंदर प्लस प्लस कर दिया अपन ने। बिट्स कितनी है अपनी, 2 बिट्स हैं, ये वाली 2 बिट्स है अपने पास, ठीक है। और इसके अंदर अपन ने बोला कि अपना 1 एनकाउंटर हो गया है, तो इस 1 को तो अपन 0 कर देंगे, ठीक है। और अपने को करना क्या है, अपने को इन 2 बिट्स के अंदर, ये जो 2 बिट्स अपन एक फंक्शन में पास कर रहे हैं, एनसीआर नाम के फंक्शन में पास कर रहे हैं, अपन ने 2 ही बिट्स पास किया, बिट्स की वैल्यू 2 ही है, ठीक है। अपन ने बोला इन 2 बिट्स के अंदर ये जो 2 लेफ्ट बिट्स जीरोस थी, ठीक है, इन 2 बिट्स के अंदर अपने को कितने, 1 1 को एडजस्ट करना है, 1 1 को एडजस्ट करना है। प्लस प्लस वन किया था ना अपन ने इस वाले वन के लिए, कि अपन ने इस वाले वन को जीरो कर दिया है, और इस वाले वन को जीरो करके अपने को इनके बदले में इन दोनों इसकी पिछले वाली बिट्स के अंदर 1 1 को एडजस्ट करना है ताकि अपना 12 से छोटा नंबर बन जाए, ठीक है। तो अपन इस फंक्शन पे चलते हैं। तो इस फंक्शन में अपन ने क्या बोला कि अपनी 2 बिट्स हैं 0 0, ठीक है। 2 बिट्स क्या हुई, एन के अंदर 2 2 आ गया अपना, ठीक है, तो एन अपना 2 है और अपना आर 1 है, मतलब नंबर ऑफ वंस कितने हैं अपने पास, आर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अपने को 2 बिट्स, ये जो 2 0 0 के अंदर 1 1 को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो फिर एक तो अपन ने बोला कि अगर नंबर ऑफ वंस अपनी नंबर ऑफ बिट से ज्यादा है, जैसे अगर अपने पास लेट सपोज 3 वंस होते हैं और अपन को इसको 2 जीरोस में एडजस्ट करवाना है, ठीक है, 2 बिट्स में एडजस्ट करवाना है, तो क्या वो पॉसिबल होता, 3 वंस को अपन इन 2 बिट्स में कैसे एडजस्ट करवाएंगे, करा ही नहीं सकते, इसलिए अपन रिटर्न 0 कर देते कि इसकी कोई प्रोबेबिलिटी बनेगी नहीं, ठीक है। फिर अपने पास लेट सपोज 2 नंबर ऑफ वंस होते हैं, ठीक है, अपने पास 2 नंबर्स ऑफ वंस होते हैं, तो अपने को 2 बिट्स के अंदर 2 वंस को एडजस्ट करवाना है, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती, 1 1, ठीक है। इसके अलावा अपन कुछ और ले सकते हैं क्या, ठीक है, इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर लेट सपोज अपने पास नंबर ऑफ वंस 0 होते हैं, ठीक है, अपने को कोई 1 नहीं मिला अभी तक, तो अपन क्या करते हैं, 2 बिट्स हैं दोनों को 0 0 कर देंगे, उसके अलावा कोई और ऑप्शन बनेगा क्या, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बनेगा, इन दोनों ही केसेस में अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बन रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अपन रिटर्न 1 कर देंगे, ठीक है, इन दोनों ही केसेस में अपन रिटर्न 1 कर देंगे। फिर ये डीपी वाली कंडीशन है कि अगर अपने डीपी वाले उस लोकेशन के ऊपर जिसके लिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं उधर -1 नहीं है, -1 नहीं है मतलब अपन ने उधर ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो अपन क्या करेंगे, अपन सीधा सीधा वही रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। और वो नहीं रिटर्न करवा रहे हैं मतलब उधर -1 है, तो अपन ये वाली 2 लाइन्स कैलकुलेट करेंगे। ये वाली 2 लाइन्स क्या बोल रही है कि अगर अपना कुछ भी नहीं है, अपना ये नॉर्मल कंडीशन है कि एन इक्वल्स टू 2 है और आर इक्वल्स टू 1 है, मतलब 2 पोजिशंस पे 2 बिट्स में अपने को 1 1 को 1 1 को एडजस्ट करवाना है, मतलब ये 2 बिट्स है अपने पास, इन दोनों बिट्स में अपने को 1 1 को एडजस्ट करवाना है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन या तो ये कर सकते हैं कि अपन इधर ही 1 1 को एडजस्ट करवा दें और इधर फिर 1 0 रहे, ठीक है, ये एक तो अपन ये कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या बोल देंगे अपन कि अपना नंबर ऑफ बिट्स भी अपना 1 कम कर दो, ठीक है,
अपन ने नंबर ऑफ बिट्स भी कम कर दिया, मतलब इस वाले बिट के लिए अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, इस वाले बिट के लिए अपन ने कैलकुलेट कर लिया, और इस वाले बिट के लिए अपन ने बोल दिया कि इस वाले बिट के अंदर ही, और इस वाले बिट के अंदर ही अगर अपन वन को एडजस्ट करवा लेंगे अपने, ठीक है, इस वाले बिट के अंदर ही अगर अपन अपना वन लगा देंगे तो अपन बोल देंगे कि आर बी माइनस वन कर दो, कि अपने दूसरे वन के, दूसरी वाली जो बिट है, मतलब ये वाली जो बिट है, इसके लिए कोई भी वन नहीं बचा है, मतलब इधर जीरो करना है। तो अपन ने क्या बोला कि अपन ने इधर ही वन को एडजस्ट कर लिया है, तो इधर आर माइनस वन हो जाएगा। और अगर इधर अपन ने वन को एडजस्ट नहीं किया, लेट सपोज कि ये एक है और ये, मतलब ये दो पोजिशन है, अपन या तो बोल सकते हैं कि इस वाली पोजिशन के लिए या तो वन को रखो या तो वन को नहीं रखो, ठीक है, या तो वन को रखेंगे या जीरो को रखेंगे। तो अपन ने बोला कि ये वाली बिट को अपन ने कंज्यूम कर लिया तो अपन एन माइनस वन कर देंगे, और अगर अपन ने इधर वन को रखा है तो अपन आर माइनस वन कर देंगे, कि अपन ने इस वन को भी एडजस्ट करवा लिया, और अगर अपन ने इस वन को एडजस्ट नहीं करवाया तो अपन डायरेक्ट इधर आर पास कर देंगे, कि इस नेक्स्ट बिट्स के अंदर अपने को इस आर को भी एडजस्ट करवाना है, मतलब इतने नंबर ऑफ वंस को अपने को एडजस्ट करवाना है, ठीक है। और अपन वही डीपी में इक्वल्स टू करके और रिटर्न कर देंगे, मतलब उसको डीपी में भी स्टोर करवा लेंगे और इसी रिजल्ट को अपन रिटर्न भी कर देंगे, ठीक है। तो वो इधर रिटर्न हो जाएगा, फिर ये नेक्स्ट वन के लिए कैलकुलेट होगा, अभी अपना बन तो हुआ नहीं था, ठीक है, इसके लिए रिजल्ट कैलकुलेट होके आ गया है, ठीक है। उसके बाद वापस बिट्स को प्लस प्लस कर दिया अपन ने, बिट कितनी हो गई अब अपनी, तीन बिट्स हो गई, और अपन ने अपने एक्स को राइट शिफ्ट कर दिया, अपने एक्स को राइट शिफ्ट करके क्या हो गया, ये सिर्फ वन बन गया, ठीक है। अब इस वन के लिए वन एंड वन करेंगे, इसकी कंडीशन ट्रू हो गई है, ठीक है, इसकी ये वाली जो इसकी कंडीशन है ये ट्रू हो गई है, ठीक है। तो फिर अपन ने क्या बोला कि अपन ने इस राइट मोस्ट वन जो था, ये 1100 के अंदर ये जो राइट मोस्ट वन था, इसको अपन ने ज़ीरो कर दिया, ठीक है। और अपन ने बोला कि ये जो पहले की तीन बिट्स है, इसके अंदर अपने को दो वंस को एडजस्ट करवाना है, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला कि बिट्स कितनी हो गई, अपने पास बिट्स तीन है और वंस अपने पास दो गए, प्लस प्लस वंस किया अपन ने तो वंस अपने पास दो गए, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, बिट्स अपने पास तीन है, वंस अपने पास टू गए, ठीक है। अपन इसको इस फंक्शन में पास करेंगे, फिर सिमिलर केस बनेगा कि अगर आर इज ग्रेटर देन एन है, मतलब अपने पास नंबर ऑफ बिट्स कम है नंबर ऑफ वन से, तो अपन रिटर्न जीरो कर देंगे, कि अपने पास कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर आर इक्वल्स टू जीरो है और आर इक्वल्स टू वन है, तो अपन रिटर्न वन कर देंगे, कि ए की प्रोबेबिलिटी बन रही है, ठीक है। फिर अपन नहीं तो देखेंगे कि क्या डीपी की उस लोकेशन पे माइनस वन नहीं है, अगर डीपी की उस लोकेशन पे माइनस वन नहीं है, मतलब उस डीपी के लोकेशन के लिए कैलकुलेट हो चुका है, तो अपन उसको डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे, और अगर वो भी नहीं है तो अपन कैलकुलेट करेंगे ऐसे करके कि अपने पास तीन पोजिशन है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इस पोजिशन का डिसीजन लेंगे कि इसके ऊपर या तो वन को रखेंगे या तो नहीं रखेंगे। अगर वन को रखेंगे तो अपन एन माइनस वन आर माइनस वन करेंगे, ठीक है, कि अपन ने इस बिट के लिए डिसीजन लेना था तो इस बिट को एलिमिनेट कर दो, और अगर अपन ने इस बिट पे वन रखा है तो अपन आर को भी माइनस वन कर देंगे, कि अब जो बाकी की दो बिट्स हैं उनके अंदर एक ही वन को रखना है अपने को, ठीक है। और अगर इस बिट के अंदर अगर अपन ने जीरो रखा है तो अपन बोल देंगे कि बाकी की दो बिट्स में दो वन को एडजस्ट करना है, इसलिए आर इक्वल आर को अपन ने सेम ही रहने दिया, ठीक है, और फिर उससे भी रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, ये दोनों रिजल्ट को प्लस कर देगा, ठीक है, और फिर अपना लास्ट में रिटर्न रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। यही अपनी सिंपल सॉल्यूशन थी, एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, मतलब अपना सॉल्यूशन एकदम एक्यूरेट है। होप आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ आया और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।